क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 सेल। आज हमें स्टार्ट करना है एनसीईआरटी पेज नंबर 93 से। टॉपिक हमारा साइज ऑफ सेल्स। द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ ए मीटर। मिलियंथ ऑफ अ मीटर का मतलब है एक मीटर का मिलियंथ पार्ट, जिसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोन। इसका ये सिंबल होता है, मैं यहां बना देता हूं माइक्रो, ये माइक्रोमीटर। ये किसके बराबर है? ये 10^-6 मीटर के बराबर है, यानी मीटर 1 मीटर अपॉन में 1 के साथ 6 जीरो। माइक्रोमीटर माइक्रोन, इतनी छोटी सेल होती हैं, और ये इतनी बड़ी भी हो सकती हैं। कितनी बड़ी? मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर बड़ी। जैसे कि मैं बताऊं, ये पेन जितना बड़ा है, इस पेन से भी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। तो कह रहा है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वहां सेल्स का साइज इतना ज्यादा वेरी करता है। कुछ सेल्स इतनी छोटी और होती हैं और कुछ इतनी बड़ी भी होती हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। मोस्ट अधिकतर जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। अनएडेड यानी नॉर्मल आंखों से आप उन्हें देख ही नहीं सकते। अनएडेड, एडेड का मतलब है जब हम कोई माइक्रोस्कोप वगैरह लेंस यूज करें। अनएडेड मतलब बिना लेंस यूज किए। तो बिना कोई लेंस माइक्रोस्कोप यूज किए हम उन सेल्स को देख ही नहीं सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड। उन्हें देखने के लिए जरूरी है कि उन्हें बड़ा किया जाए और मैग्निफाइड बाय द माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1-0.5 माइक्रोमीटर ऑफ इन बैक्टीरिया। सबसे छोटी जो सेल है उसका साइज है 0.1-0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर लिखेंगे ऐसे और सिंबल बनाना है तो ये माइक्रोमीटर का सिंबल है। बैक्टीरिया में होती है ये। द लार्जेस्ट सेल मेजर्ड 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। 170 मिलीमीटर का मतलब है 17 सेंटीमीटर लंबी और 13 सेंटीमीटर चौड़ी। तो 17 सेंटीमीटर अगर आप अपने स्केल को देखो तो आपके पास ये जो नॉर्मल स्केल होता है ये आपका 15 सेंटीमीटर का है, ये नॉर्मल स्केल। तो जो लंबी सेल है वो लगभग इससे थोड़ी सी और ज्यादा, 2 सेंटीमीटर लंबी और लगभग इतनी ही चौड़ी, यानी इतनी बड़ी सेल्स हैं जितना सपोज ये हम आधा पेपर मान लेते हैं। तो छोटी और बड़ी दोनों सेल्स का साइज दे दिया है। और ये जो बड़ी वाली सेल है इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी सेल है ये? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ देखना बेटा, जो लार्जेस्ट सेल है उसका साइज दे दिया और एग्जाम्पल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है और उसका साइज क्या है। तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा, जैसे मुर्गी का अंडा होता है ऐसी ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। और उसका साइज है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। तो इसमें इंटू का मतलब है एक लंबाई और एक चौड़ाई, लगभग अप्रोक्सीमेट होती हैं ये चीजें। नीचे एक्टिविटी 8.2 दी हुई है, देखना उसमें लिखा है बॉयल एन ए हैंस एग, रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अंडे को उबालो, उसके ऊपर के जो कैल्शियम की सफेद जो शेल कवरिंग है उसे उतार दो। कह रहा है क्या देखते हो आप? ए व्हाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट। जो अंडे के बीच में एक येलो पार्ट है उसके चारों तरफ व्हाइट मटेरियल होता है। व्हाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन। तो ये जो व्हाइट मटेरियल है एग अंडे के अंदर
व्हाइट मटेरियल है उसे एल्ब्यूमिन कहेंगे, याद करने की चीज है ये, विच सोलिडिफाइड ऑन बॉयलिंग। वैसे तो ये सेमी लिक्विड जेल जैसा होता है लेकिन बॉयल करने के बाद ये सॉलिड हो जाता है, और इसके अंदर जो येलो पार्ट है उसे योक कहते हैं हम। इट इज द पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल का ही हिस्सा है, ये जो एग है ये एक सिंगल सेल का एग्जांपल है। मुर्गी का अंडा भी सिंगल सेल का ही एक एग्जांपल, ये अकेली एक ही सेल है, ऐसा नहीं है बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, खुद एक सेल है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, और बिना किसी लेंस के और मैग्नीफाइंग डिवाइस के आप इस सेल को देख सकते हो, यानी मुर्गी के अंडे को देखने के लिए आपको लेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपसे अगर किसी एक सेल के बारे में पूछा जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आर दी सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन दी सेल्स इन अ रैट, पूछते एलिफेंट कितना बड़ा जानवर है ना, और चूहा छोटा सा, तो क्या एलिफेंट की सेल भी चूहे की सेल से बड़ी होगी, कैसा है? आगे पढ़ के समझने की इस बात को कोशिश करते हैं। द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल, इसने साफ साफ लिखा है कि साइज ऑफ सेल, सेल का साइज और साइज ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल, जानवर के शरीर के साइज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि बॉडी एनिमल की जो बॉडी बड़ी है तो उसकी सेल भी बड़ी होगी, तो इसमें आंसर आ जाएगा नो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट, तो कह रहा है इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिफेंट की जो सेल है वो बड़ी होगी चूहे की सेल से। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, अगर साइज सेल का साइज एनिमल की बॉडी के साइज से रिलेटेड नहीं है तो फिर ये किससे रिलेटेड है, ये फंक्शन से रिलेटेड है, यानी वो सेल कौन सा फंक्शन करती है, सेल का काम क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स, नर्व सेल जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को इधर से उधर लेके जाती हैं, बोथ इन एलिफेंट एंड रैट, दोनों में एलिफेंट में भी और रैट में भी, आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, वो लंबी होती हैं और उनके ब्रांच होती हैं, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ट्रांसफरिंग द मैसेज, वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो कि क्या है, मैसेज को ट्रांसफर करना। तो पूछेंगे सेल का साइज किस पे डिपेंड करता है, तो सेल का साइज हमारा किस पे डिपेंड करेगा, सेल का साइज हमारा डिपेंड करेगा उनके फंक्शन के ऊपर। तो सेल का साइज किस पे डिपेंड करता है, सेल का साइज वो सेल क्या काम करती है उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब सेल के हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या, वो काम क्या करती हैं। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन, आपने क्लास 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और पूरे के पूरे सिस्टम में जो ऑर्गन है हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन, एजिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन, प्लांट के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन अपने पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, लीव्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं खाना बनाने के, सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू, आप समझना
सिस्टम ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। और ए टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल। यानी देखना, मैं यह साइड में लिख रहा हूं, सिमिलर एक ही तरह की सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यू, टिश्यूज, और कुछ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और कुछ ऑर्गन आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और कुछ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर बनाएंगे एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी। यानी हमारा शरीर कुछ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनते हैं, ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बनेगा, और टिश्यू सिमिलर एक ही तरह के फंक्शन या काम करने वाली सेल से मिलकर बनता है। तो ये जो चेन ब्रांच है इसे याद रखना। फिर वो पहेली आ जाती है जो बार बार पूछती है, लड़की का नाम है पहेली। रियलाइज्ड दैट, वो महसूस करती है ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। ऑर्गन किससे मिलकर बना है? टिश्यू। विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल, जो किससे मिलकर बने हैं? सेल से। यानी ऑर्गन टिश्यू से और टिश्यू सेल से। सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी सबसे बेसिक क्या है, सबसे जरूरी, सबसे नीचे बेस में क्या है? सेल है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ जनरेट हो जाता है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? द सेल। आंसर क्या है? सेल। हाउ पूछेंगे, कैसे? सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल कंस्टिट्यूट टिश्यूज, टिश्यू कंस्टिट्यूट ऑर्गन, सम ऑर्गन कंस्टिट्यूट द ऑर्गन सिस्टम, एंड बाय सम ऑर्गन सिस्टम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। तो सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? सेल से। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन। देखो जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आपको याद होगा, अब भी रखते होगे आप, आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स है, चेन लगी हुई है, चेन वाला मान लो, या पहले जो मेटल वाला होता था, तो ऐसे ही सेल भी बिल्कुल आपका ज्योमेट्री बॉक्स जैसे सी लगभग लगभग मान लो उससे कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक बाहर की कवरिंग होती है, ऐसी बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल के सबसे बाहर की कवरिंग है, उस कवरिंग के अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसे साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेंटर में उसके अंदर एक न्यूक्लियस है जो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है। जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर अलग अलग सामान हो सकता है, ऐसी सेल के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, उसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे, और उसके अंदर जो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है उसे न्यूक्लियस कहेंगे। तो ये हमने तीन सेल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किसके अंदर है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बाहर की आउटर कवरिंग है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये करती क्या है? ये सेपरेट करती है सेल को बाकी बाहर के इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग मीडियम से। तो इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द अनदर सेल्स एंड द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस मतलब इसमें बहुत बारीक छेद है, और ये उन छेदों में से कुछ मटेरियल को अंदर आने के लिए अलाउ करती है और कुछ को बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट को अलाउ करती है स्पेशल सब्सटेंस के सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। एक्टिविटी 8.3 पढ़ते हैं। In order to observe the basic component of the cell,
सेल के बेसिक कंपोनेंट को ऑब्जर्व करने के लिए टेक एन अनियन बल्ब, ऑनियन प्याज का एक छिलका लो, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, पील ऊपर से ड्राई जो पिंक कवरिंग है उसे हटा दो। यू कैन इजीली सेपरेट दीज फ्रॉम द फ्रेशी व्हाइट लेयर ऑफ द बल्ब, उसके ऊपर एक बिल्कुल फ्रेश बारीक व्हाइट लेयर होगी उससे उसे सेपरेट करो। फोर्सेप्स और इवन विद योर हैंड यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर, वो जो बहुत बारीक एक थिन लेयर होती है उसे सेपरेट कर लो आप। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ थिन अनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास की स्लाइड के ऊपर छोटा सा उसका जो पीस है स्मॉल पीस जो आपने सेपरेट किया थिन लेयर उसको उसके ऊपर रखो और ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर डाल दो ताकि वो ड्राई ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है ध्यान से देखना, द थिन लेयर कैन बी कट इन टू स्मॉलर पीसेज विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप्स, ब्लेड या फोर्सेप्स के हेल्प से थिन लेयर को और छोटे पीसेज में आप कट करो। एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है इसका नाम हमेशा याद रखना मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, इसकी कुछ ड्रॉप आप उसके ऊपर डालो जैसे कि मैं साइड में दिखाता हूं। ये ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड की बात की थी ये है, इसके ऊपर आपने कुछ एक लेयर रख ली सपोज ये, और इसके ऊपर वाटर की कुछ ड्रॉप आपने डाल दी थी और इसी के ऊपर अब मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल दो टू द लेयर एंड प्लेस ए कवर स्लिप ऑन इट, और इसके ऊपर एक कवर स्लिप, यानी कवर स्लिप कैसी होती है वो भी मेटल की ही बिल्कुल ग्लास बारीक ग्लास की स्लिप होती है उसके इसके ऊपर रख दो, ट्रांसपेरेंट है तो यानी ऊपर वाले बारीक ग्लास की स्लिप और नीचे वाली जो ग्लास स्लाइड है दोनों के बीच में अब आपकी ये लेयर है जो थिन लेयर आपने अनियन में से निकाली है और वो अकेली नहीं है उसके ऊपर आपने वाटर की कुछ ड्रॉपलेट डाली है ताकि वो ड्राई ना हो जाए और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाला है। मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन क्यों डाला है, ये उसके अंदर एंटर करेगा और सेल के अलग अलग पार्ट्स को कलर कर देगा, किसी में डार्क कलर होगा किसी में लाइट, जिससे आप उन्हें सेपरेटली देख सकते हैं। तो ये कवर स्लिप क्या क्या चीजें हमने यूज की है देखना, हमने ग्लास स्लाइड यूज की है, लैब में अगर आपको करना है तो आप टीचर से ग्लास स्लाइड मांगोगे, वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉप्स के लिए वाटर अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, और ब्लेड या फोर्सेप्स आपको चाहिए, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन और ऊपर से ढकने के लिए कवर स्लिप। व्हाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप, ये ध्यान दो कि जब आप कवर स्लिप को उसके ऊपर रख रहे हो, व्हाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप ये पक्का कर लो देर आर नो एयर बबल, कि इनके बीच में एयर बबल ना रह जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से दबा के कवर स्लिप को रखो ताकि एयर बबल्स बीच में ना रहें, क्योंकि अगर एयर बबल रहेंगे तो वो आपको सेल्स जो है वो ढंग से विजिबल नहीं हो पाएगी। तो ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, अब जो आपने स्लाइड प्रिपेयर की से माइक्रोस्कोप से के अंदर रख के देखो और जो दिखाई दे रहा है उसे ड्रॉ करो और उसे कंपेयर करो फिगर 8.5 से, ये जो नीचे फिगर आपका दिखाया हुआ है आप देखोगे कि आपको इसी तरह का डायग्राम जो है दिखाई देगा। तो ये है क्या, ये सेल है, क्या ये सेल ऑब्जर्व्ड इन द अनियन पील, ये अलग अलग सेल्स हैं ये और ये जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है और ये जो बीच में लिक्विड है, जो लिक्विड दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है और जो बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, द बाउंड्रीज ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, ये डबल बाउंड्री होंगी या सिंगल है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और अनदर एक और मोटी कवरिंग है जिसे सेल वॉल कहेंगे। और ये ध्यान रखना सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ओनली प्लांट, अनियन प्लांट है ना, तो प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। द सेंट्रल डेंस अराउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये जो सेंटर में जो आपको डेंस बॉडी दिखाई दे रही है स्फीयर स्फीयर ये न्यूक्लियस है और जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है बीच में वो साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस इज साइटोप्लाज्म। तो ये डायग्राम याद रखना, ये तीनों नाम और इनके एक्सप्लेनेशन।
तो जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आई वॉन्ट टू नो व्हाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। अब ये बच्चा कह रहा है, मैंने बताया कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होती है। कह रहा है क्यों? एक्चुअली यू हैव लर्न्ड अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। जो मेम्ब्रेन है वो शेप प्रोवाइड करती है सेल को। और इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो और दूसरी मोटी लेयर है प्लांट सेल के अंदर, उसे सेल वॉल कहेंगे। दिस एडिशनल लेयर, ये जो एक्स्ट्रा लेयर है, ध्यान से देखना, दिस एडिशनल लेयर, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट। कह रहा है क्यों जरूरत है? फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। अच्छा देखो, सर्दी है, गर्मी है, मौसम खराब है, तो क्या करोगे आप? भाग के घर में घुस जाओगे। जानवर क्या करेंगे? वो भी कहीं ना कहीं जाके छिप जाएंगे। लेकिन प्लांट को तो वहीं खड़ा रहना पड़ता है, इसीलिए प्लांट को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है एनवायरमेंट से। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत तेज हवा चल रही है, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इन सब से प्लांट को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो प्लांट सेल के बाहर जो सेल वॉल है, जो सेल को और ज्यादा फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये सेल वॉल का काम है। इट प्रोवाइड दी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। प्लांट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशंस। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। प्लांट मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इन बदलाव के अंदर भी खड़ा रहना पड़ता है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्केंटिया एलोडिया और रियो। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। इन सब केसेस में आप सेल देख सकते हैं। पहली आस्क पूछो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। पहली पूछो से पूछती है क्या हम भी, मैं भी एनिमल सेल देख सकती हूँ? तो बिल्कुल देख सकती है। बस उसके लिए क्या क्या चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था, हमें चाहिए ग्लास स्लाइड, वॉटर, ब्लेड, फोरसेप्स, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, कवर स्लिप और एक माइक्रोस्कोप। सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा? माइक्रोस्कोप और एक अच्छी टेक्निक इन सब को यूज करने की। क्लियर है? एक्टिविटी 8.4 क्या कहती है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। टेक ए क्लीन टूथपिक और ए मैच स्टिक्स विद द टिप ब्रोकन। मैच स्टिक की टिप को ब्रोक कर लो। स्क्रैप इनसाइड योर चीक और अपने माउथ के अंदर जो अंदर की तरफ से जो चीक है उस पर उसे स्क्रैप करो, रगड़ो, जैसे आप छील के अपने चीक के अंदर की स्किन को उतारना चाह रहे हो। विदाउट हर्टिंग इट, ज्यादा चोट नहीं पहुंचानी है खुद को, बस हल्का सा स्क्रैप करना है। प्लेस इट इन ए ड्रॉप ऑफ वॉटर, फिर उसे वॉटर ड्रॉप के ऊपर पुट करो, ग्लास स्लाइड के ऊपर वाटर ड्रॉप के ऊपर इस आगे वाले पोर्शन को जिससे आपने स्क्रैप किया उसे पुट करो। एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड अब आयोडीन ऐड करो एंड प्लेस ए कवर स्लिप ओवर इट और उसके ऊपर फिर कवर स्लिप रख दो पहले वाले प्रोसीजर की तरह। अल्टरनेटिवली एड वन और टू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन भी आप ऐड कर सकते हो अल्टरनेटिवली, यानी एक बार आपने आयोडीन ऐड करके देखा फिर ये ऐड करके देखा। ट्राई एंड एरर, ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। आपने स्लाइड बना ली पहले की तरह से ही, पहले अनियन पील की बनाई थी, अब आपने अंदर अपने चीक सेल्स की बना रहे हो आप। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल, जो आपके माउथ से स्क्रैप्ड मटेरियल निकला आप उसमें कुछ सेल्स ऑब्जर्व करोगे। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, आप उसमें सेल मेम्ब्रेन देख सकते हो, साइटोप्लाज्म देख सकते हो, न्यूक्लियस देख सकते हो।
इसमें सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। ये अच्छी तरह से याद रखना, सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज ओनली इन प्लांट सेल। ये देखो बेटा, ये ह्यूमन चीक सेल्स का डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देगा। ह्यूमन चीक सेल, ये सेल है अलग अलग, इसके अंदर ये जो लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म, ये सर्कल जो फॉर्म दिखाई दे रहा है अंदर, ये न्यूक्लियस है, और बाहर जो एक सिंगल लाइन दिखाई दे रही है सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान रखना, ह्यूमन इज अ एनिमल और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगी, ये स्पेशल है। ओके।